बात सोचने जैसी है। इमेजिन करिए, एक महीने के बाद आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगी, लगभग 1.5 महीने बाद। उसके बाद सचमुच पेपर अच्छे गए और आप सीए बन जाते हो। एक सोचिए, जस्ट जस्ट इमेजिन अबाउट दैट, क्या मजा आएगा। नो पढ़ाई, नो टेंशन, जॉब अब तो कर लेंगे रे, जॉब प्रैक्टिस सब जिंदगी में सब डेवलप कर लेंगे, पर वो करने का इंथुजियाज्म बहुत ज्यादा होता है। पैसे कमाना एक नशा है, काम करना एक मजा है। सच में, व्हेन यू हैव प्रैक्टिस, व्हेन यू गेट क्लाइंट्स, व्हेन यू वर्क फॉर समथिंग, वो अपने अभी ये पसंदीदा नहीं है, अलाइड लोग पसंद है फिर भी करना ही चाहिए। पर कल चके मेरी प्रैक्टिस होंगी, डीटी में मुझे अच्छा लगता है, मैं डीटी करूंगा, कल चके मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं पढ़ाऊंगा। वो काम नहीं है, वो पैशन है, शौक है जो मैं कर रहा हूं। देखो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, इतने देर तक तो मुझे कुछ लगता नहीं, कभी बोर भी नहीं होता। क्यों? अच्छा लग रहा है, पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद में शौक शौक वाली चीज कर रहा हूं ना। चाय भी नहीं मिलती है और क्या चाहिए। ऐसा है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, आप बहुत आगे जाओगे जिंदगी में। और वो उस चीज के लिए पढ़ना कि मुझे पास होना है, वैसे सोचना ही नहीं कि मैं पहले हो रहा हूं। और कभी भी वो सोचना जो आपकी पढ़ाई हुई है। अब जैसे अलाइड में इतने सारे चैप्टर है, 2-3 चैप्टर आपके नहीं, इंश्योरेंस नहीं है, बैंकिंग है, तो उसके बारे में पछताव मत करना। और कुछ पता नहीं, ये तो देख बेटा कि तेरा हुआ कितना। तो यू हैव टू ऑलवेज फील अबाउट दोज थिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। हो सकता है बाकी लोगों को वो भी नहीं आ रहा हो। सो ऑलवेज थिंक दैट वे, बी पॉजिटिव। जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर आप ये अभी से सोचना मैं पास नहीं होगा, पास नहीं होगा, कभी भी किसने पूछा तो हंस के बोलने का मेरा बहुत पढ़ाई हो, बोलना हो गया ठोक दूंगा इस बार। वो बाद में किसका कौन ठुकेगा बाद में। बट वेन समबड़ी, नहीं मैं ना इन जनरल बोल रहा हूं, कभी किसी ने मुझे पूछा ना सर कैसे चल रहा है, बेस्ट। जैसा हम सोचते हैं आसपास वैसा होने लगता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमेशा होने का मैं पास हो रहा हूं, नेगेटिव होने का नहीं। आपके पहले 4 अटेम्प्ट लगे लगे होंगे, आपकी बार नहीं लगेंगे। यू हैव टू बी दैट कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी सो पॉजिटिव। और आसपास वाले लोगों को भी अपने को देख के खुशी मिलना। आप संकट में देखते हो बाकी लोगों का बीपी बढ़ता है। तो एकदम स्टे हैप्पी, एकदम मेहनत करिए। 16-17 घंटे पढ़ने का भी, सिंस ओनली 1 मंथ इज लेफ्ट, तो आपकी आंखों में एकदम बिल्कुल नींद नहीं, नशा होना चाहिए। बिल्कुल टशन वाला, इधर ठोक देंगे ऐसे। रात को 2 बजे उठा तो यू शुड बी एबल टू स्टडी। 11 बजे सोने का, 3 बजे उठ जाने का। तो 3 बजे जब उठने के बाद 5-10 मिनट दर्द होता है, बाद में लगता है ना 7 बजे तक इतनी पढ़ाई हो गई, तो दैट गिव्स यू अमेजिंग लेवल ऑफ हैप्पीनेस। तो वैसा अनसेंड कुछ करना है तो अनसेंड पाना है तो अनसेंड करना पड़ेगा ना। तो ऐसा हौले ऐसा करने का कुछ तो भी ऐसा जो लोग नहीं कर रहे। नहीं तो लोग 11 बजे सोते, आराम से 8 बजे तक उठते, लाइब्रेरी में आते, नहा के 10 बजे तक पहुंचते। तो ढोकले तो 11 से 10 तक तेरा तो 11 घंटे चले गए, वेस्ट हुआ। अरे तेरे आने तक तो मैंने आधा सिलेबस कर ठो दिया है, लॉ 3 बार पढ़ लिया मैंने। तो इतना अभी जो 30 दिन बचे उसको इतना यूज करके 60 दिन हो जाना चाहिए। मतलब जितना 60 दिन का पढ़ना है उतना अपने 30 दिन में बिल्कुल प्लान बना के एकदम टशन में आके पढ़ने का। एकदम आखिरी पढ़ना, आखिरी बस, आखिरी अटेम्प्ट, आखिरी इतना पढ़ना कि बोलना इससे ज्यादा मैं अब पढ़ नहीं सकता, इतना ज्यादा। वो भी बोल बोल के, चलते चलते बोलने का, ऐसे करने का, है ना। और पढ़ाई के अलावा दूसरी बात नहीं, मोबाइल एकदम स्विच ऑफ। अभी स्विच ऑफ पूरा, अभी बहुत हो गया ये पागल, फिल हो नहीं वो मोबाइल फिल करा देंगे आपको। व्हाट्सएप बंद, इंस्टा बंद, फेसबुक बंद, सारी चीजें बंद। अभी जितना अपने लेक्चर्स के लिए काम है उतना यूट्यूब, बाकी सब बंद है ना। क्या बोलते हैं, अभी एकदम वैसा पढ़ने का रे जैसा आज तक, मतलब 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना। मतलब टिफिन भी ऐसा खाने का, इधर किताब उधर टिफिन, उस टाइप का पढ़ाई। ऐसा नहीं कि खाना खाने के लिए 1 घंटा लग गया, उस लेवल पे आ जाने का। अब वो लेवल चालू हो गया, वो अगर आ गया ना खाना खाने के 10 मिनट, चाय पे ना, चाय भी इधर मंगाया 2 मिनट, वो मिनट्स पे काम आ गया ना घंटों के बदले। एकदम ट्रैवलिंग करते हो आप, सुन के जा रहे हो, सोते समय जब तक नींद नहीं लग रहा तब तक 1 चैप्टर रिवाइज कर लिया, टॉयलेट में बाथरूम में भी आप हो 2 चैप्टर रिवाइज कर लिया। तो उस लेवल पे अगर आ गया ना अपना काम, तो ये मैं बोल रहा हूं 30 दिन 60 दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। कभी कभी समटाइम्स इट रियली यू फाइंड इट ऑकवर्ड कि ऐसे कैसे टॉयलेट में रिवाइज कर रहा हो, गाड़ी पे जा रहा हो तब भी सुकून नहीं। 1 महीने की तो बात है, बाद में जिंदगी देखो मेरे पास सुकून है ना। तो उस सुकून के लिए 1 महीना चलता है यार, बहुत बड़ी चीज कर रहा है। वंस यू बिकम सीए आपकी कितनी इज्जत नहीं है। लोग सीए जस्ट, क्या नाम बेटा आपका, विशाल, सीए विशाल, हाउ इट साउंड्स,
एकदम अंदर से आता है बाहर से, बहुत मजा है. लाइफ इज ऑसम, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. इतना मजा है ना जिंदगी जैसा कुछ और चीज है ही नहीं. मस्त काम करने का, दोस्तों के साथ रहने का, पार्टी करने का, मजे करने का, मूवी देखने का, पर ये सारी चीजें तब पॉसिबल है. मतलब जिंदगी बहुत सुहानी है. उससे हम लोग सीए कर रहे इसलिए डर लग रहा है. एक बार वंस यू बिकम, हाँ नहीं तो अभी पास होने तक ना इस दर्द से तो मैं भी गुजरा हूं, तो तब लगता था बहुत ऐसे यार क्या कहा गया. बट अब ऐसा लगता है ना कि मजा है, मुझे जो लगता है मैं करता हूं एंड ऑल दैट. तो फिर उसके बाद में वंस यू बिकम सीए, पर वैसी जिंदगी जीना कि आपको ऐसा लग रहा हो कि यार लोग भी देखे उन्हें क्या जिंदगी जी रहे हैं. तब तन्हा तन्हा मत जीना, नहीं तो अब भी तन्हा तब भी तन्हा चले. जिंदगी तनाई भी गई, बोले सीए बनने के बारे में ऐसी रोता था अभी, तो तब मत जीना ऐसे. ओके सो एवरीबॉडी लेट्स गो, लेट्स रॉक, कम ऑन.